हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज क्या देखना है भाई साहब? फाइनली RRTS रैपिड एक्स ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम मीरठ। अच्छा, मीरठ से नमो स्टार्ट हो भारत, गई है। नमो भारत स्टार्ट हुई। ओके, देखें फिर। यस चलो चलें मितवा। कौन दो मैक्सिमम स्पीड थी वो हमने टच वही कर ली। बोले ट्रेन में होता है, वंदे भारत में होता है बेसिकली। स्पीड ओ, ये आ गया भाई जूस की बार। वाओ, ये वो क्या जरूरत है बुलेट ट्रेन की? और आ चुका हूँ भाई RRTS के मेरठ साउथ स्टेशन पे। और आज की जर्नी काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये नया सेक्शन RRTS का, रैपिड एक्स का, या नमो भारत ट्रेन का कह सकते हैं, स्टार्ट हो चुका है। जो पहले चलता था वो था भाई 34 किलोमीटर का, जो मैंने ऑलरेडी आपको कवर करके दिखाया हुआ है, शायद मोदी नगर नॉर्थ तक चलता था। और अब आ चुकी है भाई मेरठ के अंदर, मेरठ साउथ से 8 किलोमीटर का एडिशन हुआ है। और आज आपको इस ब्लॉग में मेरठ से दिल्ली जाना यार बहुत ईजी हो चुका है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको इस ब्लॉग में फेयर रूट सब कुछ दिखाएंगे। अगर आप प्लान कर रहे हैं मेरठ से दिल्ली जाने के लिए फास्टेस्ट में, पहले तो बहुत टाइम लगता था बाय रोड और बाय ट्रेन भी, लेकिन ये देख लो, ये है स्टेशन। यहाँ का काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है। अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसी फैसिलिटीज़ हैं, कैसा स्टेशन दिखता है। बाकी देख लो, यहाँ पर ना पार्किंग की सुविधा सब कुछ दिया हुआ है हर एक स्टेशन पे, जो भी स्टेशन है ना हर एक पे है। तो ये एंट्रेंस होगी गेट नंबर 1। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये देख लो, ये है पूरा स्टेशन। अब यहाँ से टिकट लेते हैं, देखते हैं कहाँ से मिलेगी। तो टिकट आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है कैश और UPI के लिए, कार्ड और टिकट्स लेने के लिए। लेकिन ये वेंडिंग मशीन भी बनी हुई है, तो हम वेंडिंग मशीन से ही लेते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो इससे टिकट कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ गया बाय टिकट, इस पर क्लिक करेंगे। स्टैंडर्ड है, प्रीमियम, दो तरह की कैटेगरी हैं। तो हम इस बार प्रीमियम में जाएंगे। और ये स्टेशन से देखो ये कहाँ कहाँ तक चलती है। तो हमने जाना है सहीबाबाद तक। तो सहीबाबाद तक जाने के लिए 220 रुपये एक जने का है, तो दो टिकट लेंगे, क्योंकि भाई अभी भाई भी साथ में अपने, और इतने सारे ऑप्शंस हैं तो हम UPI करेंगे। चलो पेमेंट करते हैं और टिकट निकालते हैं। तो लीजिए भाई, अपने टिकट्स यहाँ पर आ चुकी हैं। ये होगी दो, एक भाई की और एक मेरी। यहाँ पर देख लो पूरा फेयर चार्ट लगा हुआ है, तो ये बढ़िया है। तो अगर आप स्टैंडर्ड में जाएंगे शायद 110 लगेगा और प्रीमियम में 220 रुपये लगेगा। तो आप इसको वीडियो पोज करके देख सकते हैं। आ चुके हैं मेरठ साउथ स्टेशन पे और सामने खड़ी है ट्रेन, लेकिन हम इसमें बोर्ड नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाली में जाएंगे। ये है मेरठ साउथ स्टेशन, देख सकते हैं। तो आपको इसकी भी जर्नी आते हुए दिखाएंगे, इस क्लास की। ये स्टैंडर्ड क्लास और प्रीमियम आ गया, आपको प्रीमियम का एक बार लाउंज भी दिखाते हैं। तो स्टेशन तो काफी नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो देख लो भाई, फ्रंट से कुछ ऐसा लुक दिखता है इसका, NCRTC के द्वारा ही चलाई जाती है। देखो यार क्या मतलब प्रॉपर बुलेट ट्रेन दिखती है ना ये, लेकिन बुलेट ट्रेन नहीं है। लेकिन स्पीड इसकी 160 है, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा 160 देख। ये निकलने को रेडी है, आपको इसका डिपार्चर दिखाते हैं। तो भाई सिग्नल हो चुका है इसका ग्रीन। तो ये पूरा मैप है, मैप से आपको मैं समझा देता हूँ। अभी मैं हूँ यहाँ पर मेरठ साउथ में। तो ये जो सेक्शन है ना, ये 8 किलोमीटर्स का अभी स्टार्ट हुआ है, पहले मैंने इसको कवर किया था। तो ये टोटल जो स्ट्रेच है ना, ये चल रहा है भाई साहिबाबाद तक, ठीक है। ये 34 किलोमीटर का यहाँ तक था और 8 और जुड़ गया, तो 42 किलोमीटर का ये जो पूरा सेक्शन है ये स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ से लेकर टिल सरायकालेगा तक लगभग 42 मतलब किलोमीटर पेंडिंग है, टोटल 84 किलोमीटर की मतलब ये यात्रा होने वाली है। चलो भाई, ये गाड़ी निकल चुकी है, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके प्रीमियम सेगमेंट पे, जिसमें आज हम ट्रैवल कर रहे हैं। उसका एक अलग चेक इन होता है, मतलब दो बार आपको टैप करना पड़ेगा, जैसे एक बार टैप किया दूसरी बार फिर टैप करना है। लो भाई, गाड़ी भी मेरे ख्याल से आने वाली है। तो वो वाला मैंने आपको एरिया दिखा दिया है, और यहाँ से जैसे नीचे पहले एक बार टैप किया था, तो वापस से एक बार टैप करना होगा अगर आपको जाना है प्रीमियम वाले में। लो भाई, टैप किया तो ये हो गया गेट ओपन, मतलब दो बार गेट ओपन होते हैं, एक बार नीचे और एक बार ऊपर। ये अगर आपको दिल्ली मेट्रो से भी कनेक्टिविटी चाहिए ना, तो भी आप कर सकते हैं RRTS से डायरेक्ट, बहुत ही बढ़िया यार। और कहाँ से इंटरचेंज होती है वो भी सारा मैप में मेंशन है। तो देख लो, आ चुके हैं, ये है प्रीमियम क्लास जिसमें 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे मैंने आपको पहले भी दो वीडियोस बनाई थी जब सेक्शन स्टार्ट हुए थे, तो वापस से आपको इंटीरियर दिखा देते हैं।
तो ये रिक्लाइनिंग है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको रिक्लाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट दिख जाएगा, यूएसबी भी है और दूसरा प्लग भी लग जाएगा आपको, तो ये अच्छा लगा। ऊपर अपना लगेज रख सकते हैं और बिल्कुल यहाँ पर आपको, जैसे आपको पता ट्रेन में होता है, वंदे भारत में होता है बेसिकली, विंडो ब्लाइंड्स मिल जाएगी उससे बचने के लिए, तो ये अच्छा है। बाकी थोड़ी देर में अपना डिपार्चर भी होने वाला है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, स्पेशल एक चीज है वो कैमरे के पीछे है, वो मैं दिखाऊंगा बाद में। इस RRTS की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये इंडिया का पहला है, पहले इस ट्रेन को रैपिड एक्स बोला जाता था, बट फिर इसका नेम चेंज किया गया नमो भारत ट्रेन से। और अभी बैठे हैं भाई, सीट बहुत ही कंफर्टेबल है यार, मतलब रिक्लाइन कहाँ से होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख लो, यहाँ से एक आपको बटन मिल जाएगा, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये देखो ये ऊपर आ गया। अब इसको प्रेस करेंगे तो वापस से ये रिक्लाइन हो जाएगा। हेलो भाई, गेट हो चुके हैं क्लोज, 7:15 का इसका डिपार्चर है, बिल्कुल शार्प एक मिनट पहले गेट क्लोज हो चुके हैं, शायद 7:14 का ही है। बाकी आपको पूरा रूट दिखाएंगे, यहाँ पर आपको सारे स्टेशन्स मेंशन है, कौन कौन से स्टेशन्स हैं, मेरठ साउथ से लेकर मोदी नगर नॉर्थ आता है, साउथ आता है, मुरादनगर आता है, दोहाई आता है, और एक ये कौन सा है, राजनगर, DPS राजनगर, ठीक है, फिर गाजियाबाद है, फिर साहिबाबाद है। चलिए भाई निकल चुकी है, देखो 7:15 पे बिल्कुल ऑन टाइम। चलो ट्रेन निकलते ही हमने लगभग 80 km/h स्पीड पकड़ ली, अब देखते हैं इसकी 160 मैक्सिमम है तो हम कब अचीव कर पाते हैं। इसका थोड़ा सा ना ये आपको पता है नेविगेशन भी ऐसे चल रहा है, 195 देखो स्पीडोमीटर वहाँ पर भी शो हो रहा है, 100 km अचीव करने हैं। 130 पे तो मैंने ट्रैवल किया है वंदे भारत में भी, 160 पे भी किया है, तो अब देखते हैं अभी इसका कैसा फील आता है 160 पे। बस पर ये है 160 अचीव कर लें, लगभग 125 हो चुका है, तो भाई 160 अचीव कर लें तो मज़ा आ जाएगा। इसकी मैक्सिमम 160 है, अभी 180 पे चल सकती है, कैपेबल है ये, लेकिन अभी 160 पे ही चल रही है। 146, 7, 8, 150, आ जा, 153, 154, 155, 6, मैं तो आगे भी देख रहा हूँ, 7, 8, ये देख लो भाई 160 टच कर दिया है, 160 टच कर दिया, 160, 158, तो भाई 150, 160 टच किया था इधर, देखो 161 गया, तो पता भी नहीं चला भाई कब, शायद हो सकता है वापस अपने को देखने को मिले, रिटर्न में भी आएंगे, बहुत ही बढ़िया स्पीड है। गाड़ी पहुंच चुकी है अपनी मोदी नगर नॉर्थ इसके फर्स्ट हॉल्ट पे, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे गेट ओपन होंगे ना फिर आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ देखो गेट बाहर के ओपन हो गए ना, अब आपको ये वाला खोलना है तो इसको टैप करना होगा तब ये गेट ओपन होगा, बिल्कुल बिल्कुल, बस 15 सेकंड ही रुकती है और ये ऑटोमेटिक ये गेट बंद हो जाएंगे, सिर्फ खोलने के लिए आपको टैप करना है। गाड़ी पहले चलती थी इस स्टेशन तक, मोदी नगर नॉर्थ तक चलती थी, जो मैंने ऑलरेडी कवर भी किया था एक बार सेक्शन, अब मेरठ तक चली तो मैंने सोचा आपको ये नया सेक्शन भी कवर करके बताएं कौन कौन मेरठ से देख रहा है। और मोदी नगर की शिकंजी बहुत फेमस है, और कहाँ की किसकी शिकंजी फेमस है वो बताना, कभी ट्राई की भाई? आज तक तो नहीं करी, लेकिन ट्राई करना, जैन शिकंजी है एक, आप बताना कमेंट सेक्शन में, बहुत बढ़िया होते, मैंने तो ट्राई की हुई। बढ़िया है ये, स्कैनिंग से आप मतलब खाना पीना ले सकते हैं। साई बाबा स्टेशन के बाहर आ चुके हैं, मैंने सोचा एक बार आपको स्टेशन भी दिखा देते हैं, फिर फटाफट से अंदर जाएंगे और वापस से आपको मेरठ की जर्नी दिखाएंगे, लेकिन इस बार मैं आपको स्टैंडर्ड क्लास में दिखाने वाला हूँ, दोनों क्लास कंपेयर हो जाएंगे। तो ये है स्टेशन, मेन स्टेशन, अभी सुबह सुबह का वक्त है, चलो चलते हैं अंदर। बाकी यहाँ पर भी आपको देख लो ये सेम वेंडिंग मशीन मिल जाएगी जिससे आप टिकट ले सकते हैं, तो यहीं से फटाफट टिकट लेते हैं फिर चलते हैं। भाई पकड़ ही ली फाइनली, दो ट्रेन्स का पैरेलल, एक ये गई एक और ट्रेन चल रही हो, देखो क्या ही बात है यार, सामने पैरेलल चल रहा है, कौन सी गाड़ी है समझ नहीं आ रहा मेरे को, यहाँ से दिख नहीं रहा, स्टेट ऐसी है ना उनकी, वाओ दो स्टेट्स हैं तो, और इंडिया सुपर भाई सुपर डुपर, लास्ट टाइम मैंने यहाँ से वंदे भारत कैप्चर की थी अगर आपको याद होगा तो, पैरेलल देखने को आगे से वंदे भारत के साथ, ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर, मैं आपको अच्छे से ओवरी सीट्स भी दिखाता हूँ, ये वाली सीट्स सही है आराम से कंफर्टेबल, यहाँ पर आपको इधर यूएसबी पोर्ट भी मिल जाएगा चार्जिंग के लिए अगर आपको यूएसबी से चार्ज करना है। उधर है दिल्ली मेट्रो का रेलवे स्टेशन, वो सामने
अब तो टाइप सी भी अभी हम स्टैंडर्ड क्लास में बैठे हैं। 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, दो सीट्स इधर हैं, दो सीट्स आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ है इंटीरियर, और ये रिक्लाइन नहीं होती, जो प्रीमियम है वो रिक्लाइन हो जाती थोड़ी सी, और उसके अंदर आपको चार्जिंग पॉइंट अलग से मिलते हैं। इधर आपको USB मिल जाएगा, अगर आपके पास USB है तो अपना मोबाइल यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। सामने आपको इलेक्ट्रिक डिस्प्ले मिल जाएगी, जिसमें यहाँ पर सारे जो स्टेशन हैं, स्पीड है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर डिस्प्ले होगा। बाकी काफ़ी साफ सुथरी है, पर देखते देखते नेक्स्ट स्टेशन भी आने लगे। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले ये जो फर्स्ट फेज में ये चली थी नंबर 12 ट्रेन, वो दोहाई डिपो तक चली थी। तो देख लो, दोहाई स्टेशन यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद ये सेकंड फेज चला था, वो मैंने आपको दिखा दिया। बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा जब भी आप ट्रैवल करेंगे, 140 के करीब चल रही है अभी, क्योंकि वहाँ पर 141 दिखा रहे हैं। देखो 145 किलोमीटर पर आर, लगभग 146.7, लगभग भाई 150 की स्पीड पे ये चल रही है नमो भारत ट्रेन। 154 भाई साहब, मतलब 155 करीब हमने टच कर लिया था, 154 किलोमीटर पर आर। कैसा लगी भाई स्पीड बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। मतलब ये है भाई बदलता भारत, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 157 वहाँ पर दिखा रहा है, जो 150 इसकी 161 जो मैक्सिमम स्पीड थी वो हमने टच कर ली 160। बहुत ही बढ़िया यार, पता भी नहीं लगा। चलिए भाई वापस से मेरठ साउथ स्टेशन आ गए अपना, जहाँ से जर्नी की शुरुआत की थी। बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, देखो ग्रीन चला, वाह यार। तो भाई वापस आ चुके हैं नीचे स्टेशन पे, और ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। पसंद आई लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा। चैनल पे नए मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं सोच रहा था वैसे आपको सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है, और पहली दफा तो नहीं देख रहे, आपके बहुत सारे व्लॉग देखे हैं और बहुत लेवल होते हैं, मजा आता है इनके वीडियो बड़े। जो भी कोई ये जो पहले दिन उन्होंने वीडियो बनाया ना, वीडियो वगैरह को देते हैं, ये उस दिन का वीडियो नहीं, इसमें ये दोनों ही नजर आ रहे थे, कोई भी नहीं था, मतलब पूरी गाड़ी में मुझे ये दो बंदों के अलावा तो कोई नजर नहीं आया। अच्छा ये देखेंगे, अगर हो ना हो वो परेड होती है लाजमी, चलनी है, नहीं तो हो सकता है कि पैसेंजर नहीं है, कुछ नहीं है, तो चले डिले कर देते हैं। लेकिन ये है कि आप स्टेशन देख लो, बहुत बड़े और लेवल के बनाए हैं उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल, वो नीट एंड क्लीन है। अभी न्यू है ना अभी, अब बाकी जनता का भी बनता है ना, जो वहाँ के लोग हैं अब उनको चाहिए कि वो साफ सुथरा रखें। इसके साथ मैनेजमेंट का साथ देंगे तो डेफिनेटली कंट्री जो है वो साफ सुथरा लगता है, जो टूरिस्ट आएंगे बाहर से वो जो विजिट करेंगे तो डेफिनेटली वो प्रेस करेंगे कि इंडिया में मतलब यार ये चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि मैं एक चीज़ सोच रहा था वाइल वॉचिंग द वीडियो, कि इंडिया में ना बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट्स हम डेली देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया आ रहा है, डेली कुछ ना कुछ आ रहा है, डेली कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, तो एक अच्छा साइन है यार, और एक ग्रोइंग कंट्री का ऐसे मतलब होना भी चाहिए। गुड 161 इज वेरी गुड स्पीड। चलें बाकी आते हैं जी वापस, नेक्स्ट वीडियो में रखें अपना ख्याल।